हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जहां इसमें अब तक 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आपदा से हुए जान और माल के नुकसान पर विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने दुख जताते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपदा की इस घड़ी में विधायक राकेश जम्वाल ने सुंदरनगर क्षेत्र में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए जिला और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए। राकेश जम्वाल ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ओछी राजनीति कर अपने चुनिंदा लोगों को तवज्जो दी जा रही है। बीते दिनों पूरे प्रदेश में अत्यधिक नुकसान हुआ है। उनके विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में भी कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन भगवान की कृपा से किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जिस भी क्षेत्र में गया, मैंने किसी से किसी की पार्टी, किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं पूछा, उनकी मदद करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर चुन चुन कर कुछ लोगों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, कुछ लोगों को तिरपाल भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से जहाँ पर हो रहा है, मैं प्रशासन को भी बड़ी सख्ती से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार इस आपदा की घड़ी में कहीं पर भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसकी मदद हम सबको, सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। ये मात्र सरकार का दायित्व नहीं है, हम लोगों का भी दायित्व है। हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हारे नकारे लोग, जिन्होंने, जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनको लोगों ने घर बिठा दिया है, वो इस प्रकार से राजनीति करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम कहीं भी मेरा तेरा के चक्कर में जो प्रभावित लोग हैं, उनकी वो मदद से वंचित ना रह जाएं। इस प्रकार से हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और इस आपदा की घड़ी से सब लोग, सरकार, प्रशासन और हम सब लोग जनप्रतिनिधि जो है, मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि सुंदरनगर में जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि कहीं पर सूचना दे रहे हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि 80% से ज़्यादा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं। चाहे आप नगर परिषद देखें, चाहे BDC देखें, चाहे पंचायतों के प्रतिनिधि देखें, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हैं, किसी दल से उनका संबंध हो सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो बात कह रहा है उसको प्रशासन को भी सुनना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा।